बढ़िया क्वालिटी की मुसरत का स्वाद लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ लेमन जूस जो लींबू शरबत गुजराती में बोलते हैं, वो यहाँ देख सकते हो कितनी भावना से और कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं ये लोग। ऐसी धूप में भी सेवा कर रहे हैं लोग, तो आप देख सकते हो ये अभी केरालू में ही है। यहाँ पे ये कुछ यूनिक ही है जो आप देख सकते हो, जो दूध पाक यहाँ पे ये दूध पाक की सेवा कर रहे हैं। कि ये ग्रुप है जो रत्न सेवा ग्रुप, जो यहाँ मैंगो जूस या शरबत भी बोल सकते हो ये सेवा कर रहा है। इतनी धूप में भी ये लोग यहाँ अच्छी सी सेवा दे रहे, लेडीज भी है यहाँ कुछ, ये यहाँ पे लेडीज भी है जो धूप में खड़े होकर ये सब लोगों की सेवा कर। ये जो ग्रुप है वो कुछ अलग ही लाया था, ये ग्रुप अहमदाबाद से आया था और ये पूरा अपना जो काम रोजिंदा काम होता है वो काम बंद करके यहाँ पे सेवा करने के लिए ये लोग आए थे। ये लोग ठंडी ठंडी आइसक्रीम इतने गर्मी में भी देने के लिए, ये सेवा करने के लिए आए हैं और ये पूरी गाड़ी भरकर ये आइसक्रीम लाए और यहाँ सेवा कर रहे हैं और यहाँ अच्छे से बैठने की भी व्यवस्था की है इन लोगों ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ चॉकलेट भी बेच रहे हैं। ये पूरी गाड़ी भर के लाए ये सेवा के लिए ये सब चॉकलेट। अभी आप देख सकते हो कि ये लोग बहुचरा जी से आए हैं और यहाँ पे एप्पल और पानी की दोनों की व्यवस्था की है इन लोगों ने और ये पूरा ट्रक भर के लाए है सब। तो इतनी धूप में भी ये लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन सर कैंप लगे हुए हैं सेवा के। तो गाइस ये ग्रुप आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग ही है जो छाछ दे रहा है और साथ में जयंबे का नारा भी लगता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी लोगों ने एक कुछ नया ही ड्रेस जो व्हाइट टी शर्ट व्हाइट शर्ट ऐसे ही पहने हैं, तो आप देख सकते हो। और ये सब लोगों ने छाछ और पानी का दोनों ही व्यवस्था की है इन लोगों ने सेवा में। ठंडी छाछ ये पूरा ट्रक लेके आए यहाँ जो छाछ और पानी की व्यवस्था की है। तो पछी आ कैम्प करवा खोटा पे आ कोल्ड कॉफी बर्फ में बनावेली कोल्ड कॉफी तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ अलग ही जो कोल्ड कॉफी बनाई है और ये सब अभी सेवा कर रहे हैं ये लोग। तो आप अभी देख सकते हो हॉट कॉफी तो आपने देखी होगी पर ये कोल्ड कॉफी है। यहाँ पर मसालेदार अमेरिकन मकाई भी है इस कैंप में, ये कैंप में ये सेवा दे रहे थे। ये कैंप में कुछ अलग ही जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में से यहाँ सेवा करने के लिए आए थे और ये जो कैंप देख सकते हो जो कुछ अलग ही मंडप बांधा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस ये जो जयंबे मित्र मंडल सेवा कैंप है ये लोग यहाँ पेप्सी का भी
बेच रहे हैं यहाँ, ये भी सेवा कर रहे हैं लोग, तो आप देख सकते होगे। और यहाँ साथ ही साथ मेडिकल कैंप भी है। तो गाइस ये कुछ नया और कुछ अलग आ गया फिर से, यहाँ पे जीरा मसाला दे रहे हैं ये लोगों, और ये आप देख सकते हो सभी लोगों को दे रहे हैं ये, और ये पूरी गाड़ी भर के लाए हैं ये जीरा मसाला, और सभी की सेवा कर रहे हैं, और जय अंबे का नारा लगाते और सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर कैंडी भी दे रहे थे। तो ये ग्रुप है जो महाकाली ग्रुप युवक मंडल, जो दाड़वड़ा लाइव दाड़वड़ा की यहाँ पे सेवा दे रहा है। तो ये सभी लोग 24 घंटे रात दिन एक करके यहाँ सेवा दे रहे हैं, अपना नौकरी बिजनेस जो भी हो वो सब बिगाड़ के यहाँ टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो ये सभी लोग है जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे से लेके सब लोग है यहाँ सेम में। यहाँ पर ही जो दाल वड़े है वो यहीं पर बन रहे थे लाइव, और यहाँ से गर्मा गर्म यहाँ से बाहर भिजवा रहे थे ये लोग। तो गाइज आप देख सकते हो ये सब सेवा जो दाल वड़े की लाइव दाल वड़ा, ये सब ये लोग सेवा कर रहे हैं, और यहाँ 24 घंटे से यहाँ है हाजिर। कितने दिन से है, कितने साल से ये सब कर रहे हैं, ये सब आप अब इनसे पूछेंगे। हम यहाँ 10 साल से कैंप लगा हुआ है, पूरे 10 साल हो गए। हाँ, और यहाँ लाइव दाल वड़े चल रहे, नाइट में अच्छी तरह से रोज नए नए कलाकार आते हैं, और हम यहाँ हमारा ग्रुप लेके बजाते हैं, मस्त आयोजन सब। ये सरपंच है मोहन भाई झुंडाल, योगेन पटेल उसका बड़ा चैनल है यूट्यूब, और वो ही बुलाते हैं सब कलाकार, गुजराती कलाकार सब बड़े कलाकार यहाँ गरबा परफॉर्मेंस मस्त करते हैं। यहाँ पे जो विश्राम गृह और रात को यहाँ रास गरबा के भी प्रोग्राम होता है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो। ये लोग यहाँ पे जो पैकेट्स नमकीन कह सकते हैं ये बेच रहे हैं, ये पूरी गाड़ी भर के लाए, और इतने उत्साह से ये लोग ये सब पैकेट्स बेच रहे हैं जय अंबे का नारा लगाते हुए।
ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी लंबी धजा जो माँ अम्बे को चढ़ती है चढ़ाती है वो है, वो मिनिमम 30 से 40 फुट लंबी है, ये आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो गए थे तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा रास्ता चढ़ाने वाला था, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी श्रद्धालु यहाँ से चल के जा रहे हैं। आप तो गाइज ये वीडियो में आपने देखा होगा कई ऐसे नए नए कैंप, कुछ यूनिक कुछ अलग, सब नींबू शरबत और सब तो कर रहे थे, पर ये जो हमने कैंप ये वीडियो में दिखाए वो सबसे अलग थे और वो आपने देखे होंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कुछ यूनिक वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और कमेंट में ज़रूर से जय अम्बे लिखना भूलना मत।